हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हरियाणा जीके में संरक्षित इमारतें। क्या है संरक्षित इमारत से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। वैसे हमने जो भी आपके हवेली वगैरह वो तो करा दिए, लेकिन जो संरक्षित कर दी गई हैं हरियाणा सरकार के द्वारा उनके बारे में जानकारी देंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि आप पूछ लें आपको कि हरियाणा में कुल कितनी संरक्षित इमारतें हैं, तो ध्यान रखना हरियाणा में कुल कितनी संरक्षित इमारतें हैं, 44। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा संरक्षित इमारतें आपकी इमारत या स्मारक, स्मारक के नाम से भी हम कह सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पर है, ये नारनौल में है। कहाँ पर है, नारनौल में है। नारनौल आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। और नारनौल की स्थापना शाह कुली खां के द्वारा, शाह कुली खां के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। और जल महल भी आपका कहाँ पर है, हरियाणा का जल महल भी हरियाणा कहाँ पर है, नारनौल में, जिसकी स्थापना 1591 में हुई है शाह कुली खां के द्वारा। चोर गुम्बद भी आपका कहाँ पर है, यहीं पर है चोर गुम्बद। ये चोर गुम्बद है जो आपका, ये भी एक संरक्षित इमारत है। कैसी इमारत है, संरक्षित इमारत है। और कौन सी शताब्दी का बना हुआ है, 14वीं शताब्दी का बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। और ये एस आकृति का है, कैसी आकृति का है, एस आकृति का है। ये जो संरक्षित है केवल वही क्वेश्चन करेंगे, जैसे चोर गुम्बद है संरक्षित है, एस आकृति का बना हुआ है, किसने निर्माण करवाया, शाह कुली खान ने करवाया, कब करवाया, 1591 में। और नारनौल की स्थापना भी किसने की है, शाह कुली खान ने, ठीक है। और 15वीं शताब्दी में नारनौल किसका भाग था, 15वीं शताब्दी में नारनौल किसका भाग था, जयपुर। और जयपुर आज आपका कहाँ पर है, राजस्थान। जयपुर आपका कहाँ पर है, राजस्थान। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके कुछ बन सकते हैं। आगे देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप सभी ना इस टॉपिक के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनके ज़्यादा चांस हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे भाई। और 15 से 17 मिनट में लगभग ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगला है विश्वामित्र का टीला कहाँ पर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वामित्र का टीला कहाँ पर है, प्योहवा। प्योहवा आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र। प्योहवा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र, यहीं पर आपका ये टीला है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से बन जाएगा, विश्वामित्र का टीला कौन सी शताब्दी का है, 8 से 9वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है, 8 से 9वीं शताब्दी का रहेगा, ध्यान रखना। अगला है बौद्ध स्तूप, एक बौद्ध स्तूप भी है, इम्पोर्टेंट है बौद्ध स्तूप। ये आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। ये आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। ये भी संरक्षित है, ये भी संरक्षित है, जो भी है वो सारे कंप्लीट कर रहे हैं। और ये 8वीं शताब्दी से इसका संबंध बताते हैं, कौन सी शताब्दी से, 8वीं से। एक संत चौरंगी नाथ है, कौन है, संत चौरंगी नाथ। कहाँ से, अस्थल बहौर से। कहाँ से, अस्थल बहौर से। और ये भी आपके कौन सी शताब्दी के हैं, 8वीं शताब्दी के हैं। कौन सी शताब्दी के हैं, 8वीं शताब्दी के रहेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है शोभा सरोवर आपका कहाँ पर है, नारनौल। अभी इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, शोभा सरोवर कहाँ पर है, नारनौल। और ये कौन सी शताब्दी का बना हुआ है, 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। कौन सी शताब्दी का है, 18वीं शताब्दी का है। और पूछ ले इसका निर्माण कैसे हुआ है, पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ है, पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई इसका, ठीक है ना। और आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और बनेंगे यहाँ से। मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, केवल संरक्षित हम कर रहे हैं और जो मेन फैक्ट के साथ वो ही कर रहे हैं बस। अगला क्वेश्चन आएगा प्राचीन स्तूप कहाँ पर है। सबसे प्राचीन स्तूप आपका कहाँ पर है, जगाद्री। कहाँ पर है, जगाद्री। जगाद्री आपका कहाँ पर है, यमुनानगर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये संरक्षित इसे घोषित कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। ये 5 से 12वीं शताब्दी का बताते हैं, 5 से 12वीं शताब्दी का इसका संबंध है। शताब्दी नहीं आएगा तो ये जरूर ध्यान रख लेना कहाँ पर है भाई। अगला है नहान कोठी आपकी कहाँ पर है, पंचकुला।
नाहन कोठी आपकी कहाँ पर है? पंचकुला में है, और ये 19वीं शताब्दी की बनी हुई है। कौन सी शताब्दी की? 19वीं शताब्दी की बनी हुई है नाहन कोठी। कहाँ पर है? पंचकुला में। अगला क्वेश्चन आएगा, प्राचीन टीला किरसोला, प्राचीन टीला कौन सा है? किरसोला। प्राचीन टीला कौन सा है? किरसोला है। ये आपका कहाँ पर है? जींद में है। कहाँ पर है आपका? जींद में है। और हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है? जींद में है। और जींद में एक स्थान है खांडा। कौन सा स्थान है? खांडा, जहाँ पर परशुराम का मंदिर है, परशुराम का मंदिर है। जबकि खांडसा, अगर खांडसा आ जाए तो यहाँ पर एकलव्य मंदिर है। कौन सा है? एकलव्य मंदिर है खांडसा गुरुग्राम में। और परशुराम का एकमात्र मंदिर आपका कहाँ पर है? खांडा। खांडा आपका कहाँ पर है? जींद में, और खांडसा आपका गुरुग्राम में। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। आगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, मैं रब कर रहा हूँ भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर। ये भी दो है भाई, प्राचीन शिव मंदिर भी आपके दो हैं। एक तो सालवान गांव, कौन सा है? सालवान गांव, मेलों का गांव किसे कहते हैं? सालवान गांव को कहते हैं, करनाल में है। दूसरा आपका जो प्राचीन शिव मंदिर है, प्योहवा, प्योहवा, प्योहवा आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। मेलों का गांव सालवान, ठीक है, और दूसरा कहां पर है? प्योबा, कुरुक्षेत्र में। और सबसे ज्यादा किस भगवान के मंदिर है हरियाणा में? भगवान पूछ ले तो कई बार हमने बताया है, शिव भगवान, शिव भगवान के सबसे ज्यादा मंदिर है। और एक प्राचीन ईटों का मंदिर है, कैसा है? प्राचीन ईटों का मंदिर, ठीक है। तो ये भी आपका भगवान शिव का मंदिर है। किसका है? भगवान शिव का मंदिर है। ये आपका कहाँ पर है? कैथल में है। तो ये आपका कहाँ पर है? कैथल में। और सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा? भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि तोसाम भिवानी में है। सबसे धनी पंचायत भी आपकी तोसाम भिवानी रहेगी। जयंती पुरातत्व संग्रहालय, इसे भी संरक्षित घोषित किया गया है। जयंती पुरातत्व, पुरातत्व संग्रहालय, ये आपका कहाँ पर है? जींद में है। जयंती पुरातत्व संग्रहालय आपका कहाँ पर है? जींद में है। 28 जुलाई 2007, 28 जुलाई 2007 को इसका निर्माण हुआ है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगला एक क्वेश्चन आता है, करण का कोट, कौन सा है? करण का कोट है। ये इसे भी संरक्षित घोषित कर दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, या केंद्र सरकार की हम बात करें, संरक्षित हम करा रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा है? करण का कोट, करण का कोट। ये करण का जो कोट है आपका कहाँ पर है? भट्टू कला, भट्टू कला, या फिर सीधा फतेहाबाद। कहाँ पर है? फतेहाबाद। यहाँ से तीन चार क्वेश्चन मैंने कई बार बताए हैं, गऊकरण तालाब, गऊकरण तालाब, ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। कहाँ पर है? रोहतक। गऊकरण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका, करण का तालाब, ये आपका करनाल में है। करण का तालाब कहाँ पर है? करनाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, पूछ लेगा यहाँ से, करण का टीला, करण का टीला, ये आपका कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और करण का कोट फतेहाबाद में, मैंने आपको बताई दिया। करण झील, करण झील आपकी कहाँ पर है? करनाल में है। और कल्पना चावला, कल्पना चावला तारामंडल, ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो एक जैसे क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। वैसे ये संरक्षित में नहीं आते हैं, ये मैंने आपको अलग से बता दिए हैं। बाकी ये है संरक्षित जो हम आपके सामने बता रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है ना। अगला है, त्रिपोलिया गेटवे कहाँ पर है? अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बैक करके आराम से ले सकते हैं भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनेगा, त्रिपोलिया गेटवे कहाँ पर है? त्रिपोलिया गेटवे कहाँ है? तो ये आपका त्रिपोलिया गेटवे आपके कहाँ पर है? नारनौल, नारनौल आपका कहाँ पर है? यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं?
मैंने शुरू में बताया था नारनौल आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़। और कितनी संरक्षित इमारतें बताई थी मैंने नारनौल में आप सभी के लिए, 9 बताई थी। और टोटल कितनी है हरियाणा की, 44 है जिनको संरक्षित घोषित किया गया। 9 आपकी कहाँ पर है, नारनौल में है, आपको ध्यान रखना अभी, ठीक है। आगे देखते हैं कुणाल की पुरानी साइट, कुणाल आप जानते हैं, कुणाल कहाँ पर है, फतेहाबाद। क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन गांव भी कौन सा रहेगा, प्राचीन गांव पूछ ले, प्राचीन गांव पूछ ले तो भी आंसर क्या रहेगा, कुणाल। ये सोने का काफी प्रयोग करता था प्राचीन समय में, ठीक है ना। और जो प्राचीन बस्ती के प्रमाण है वो भी कुणाल ही रहेगा, कुणाल। कुणाल आपका कहाँ पर है, फतेहाबाद में। और 1986 में इसकी खोज की थी भाई एम आचार्य के द्वारा और जे एस खत्री के द्वारा। यहाँ से राजा का मुकुट मिला था, सोने का मुकुट मिला था, 6000 साल पुराने पत्थर के मनके मिले थे, चपटी कुल्हाड़ी थे भाई, ठीक है ना, मछली पकड़ने के कांटे थे, वो सारी चीजें यहीं से मिली थी प्राचीन समय की। और एक प्राचीन समय की दीवार भी यहाँ से मिली थी जिससे सोना चांदी का खजाना भी मिला था, मतलब कि ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका भेड़ाना, तो भेड़ाना की जो पुरानी साइट है वो भी आपकी कहाँ पर है, फतेहाबाद में है, तो इसे भी संरक्षित घोषित किया गया है भेड़ाना, ठीक है ना। भेड़ाना भी आपका कहाँ पर है, फतेहाबाद। भेड़ाना कहाँ पर है, फतेहाबाद। सबसे प्राचीन स्थल है हरियाणा का, सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, भेड़ाना। और सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा रहेगा हरियाणा का, राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी, ठीक है ना। सिंधु पाषाण युग की बात कर ले तो सीसवाल रहेगा, तो सीसवाल से अकेले 29 स्थानों से जानकारी मिली है। और हरियाणा के जो सिंधु घाटी है वैदिक सभ्यता के 300 स्थान मिले हैं और अकेले 29 आपके सीसवाल से मिले हैं जो कि आपका हिसार में है, तो ये आपको ध्यान रखना प्राचीन स्थल कौन सा है, भेड़ाना है। गुरु गोविंद सिंह जो मार्शल, इसे भी घोषित कर दिया हुआ है, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, या फिर दूसरा नाम आ जाए कपाल मोचन संग्रहालय, या फिर तीसरा नाम आ सकता है हथियारों का संग्रहालय, ठीक है। और इसे गोपाल मोचन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, गोपाल मोचन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी एक संरक्षित है आपका कहां पर है, यमुनानगर में। और इसे गुरु गोविंद सिंह के नाम से मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है ना। और इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, गुरु गोविंद सिंह ने, बामहन, और उसके बाद इन्होंने बोला था कि अपने आप से कि मैं अब खून खराबा नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और इन्होंने हथियारों का त्याग कर दिया, हथियार धोने के बाद यहीं पर रख दिए, इसलिए इसे हथियारों का संग्रहालय भी कहते हैं। 10वें गुरु थे भाई सिखों के, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी देख लेते हैं साथ के साथ, जो आपके क्वेश्चन है बचे हुए क्वेश्चन है। पुराना बादशाही पुल ये आपका कहां पर है, करनाल। और पूछ ले मुगल ख्वाजा पुल के नाम से आता है, वो फरीदाबाद में, संरक्षित नहीं है वो, ठीक है ना, फरीदाबाद में। ये कितने वर्ष पुराना है, 300 वर्ष पुराना है फरीदाबाद वाला। और पुराना बादशाही पुल आपका कहां पर है, करनाल में है। उचासवा एक गांव है, कौन सा, उचासवा गांव है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक उचानी कला, ठीक है ना, तो ये भी करनाल में है। ये लास्ट गांव था जिसमें हरियाणा के, यानी कि 29 नवंबर 1970 को बिजली पहुंचाई गई थी, तो ये आखिरी गांव था हरियाणा का, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा मकबरा पीर तुर्कमान, ठीक है ना। तो ये मकबरा पीर तुर्कमान आपका कहां पर है, नारनौल। नारनौल आपका कहां पर है, महेंद्रगढ़, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक है धरौंडखेड़ा, प्राचीन स्थल है, कौन सा है, धरौंडखेड़ा। ये आपका कहां पर है, जींद, इसको भी संरक्षित है घोषित कर दिया गया है, ठीक है भाई। मैं इसको रफ कर रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन और है, फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट है भाई, फिर ये आपका कंप्लीट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका टॉम कॉम्प्लेक्स, ये आपके कहां पर है, मेवात, इसे भी संरक्षित घोषित किया गया है, ध्यान रखना।
आगे है लोहारू का किला, लोहारू का किला ये कहाँ पर है? भिवानी में। कहाँ पर है? भिवानी में। इसको भी संरक्षित है, घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। पुरानी तहसील, पुरानी तहसील ये आपकी मेवात में है, इसे भी संरक्षित घोषित किया गया है। एक है सती का तालाब, सती का तालाब ये आपका कहाँ पर है? सती का तालाब आपका है पलवल, पलवल में है, ठीक है ना। पूछ ले कहाँ पर? होडल में है। कहाँ पर है? होडल में है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और पूछ लेता सीता माई का मंदिर, ऐसे भी आ सकता है, सीता माई मंदिर, मिलता जुलता नाम है ये तो। आपका होडल में है, और सीता माई का मंदिर आपका कहाँ पर है? करनाल। ये कहाँ पर? करनाल। और शीतला माता, शीतला माता पूछ ले तो आपका है गुरुग्राम, जिसे चेचक की देवी भी कहते हैं, मसानी माता भी कहते हैं, माता कृपी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। और एक है पुरानी कचहरी, कौन सा रहेगा? पुरानी कचहरी कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, पुरानी कचहरी आपकी कहाँ पर है? पलवल में है। पुरानी पुरानी कचहरी, पुरानी कचहरी कहाँ पर है? पलवल, ठीक है ना। पुरानी कचहरी कहाँ पर है? पलवल। इसे भी संरक्षित घोषित कर दिया गया। एक काशीराम सेठ की हवेली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काशीराम सेठ की हवेली, इसे भी संरक्षित घोषित कर दिया गया है। और ये 2020 में किया गया, ठीक है ना। काशीराम सेठ की हवेली आपकी कहाँ पर है? तो ये होडल। कहाँ पर है? होडल। होडल यानी कि पलवल। कहाँ पर है? होडल पलवल में है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए यहाँ से आपके बन सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है, मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी धीरे धीरे हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और आप सभी ने इस क्लास को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।